वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को एम शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम प्रिपेयर किया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, हमें क्या करना है, कुछ कॉलम नंबर लेना है उसके साथ और कुछ रो नंबर लेना है उसके साथ। ये दोनों को मिलाकर हमें कुछ स्टार्स को प्रिंट करना है जिससे हम एम शेप को पूरी तरह से प्रिंट करेंगे। और इसमें कुछ कंडीशन भी लगानी होगी जिसमें ये स्पेसेस वगैरह आते हैं, इनको भी एड करना होगा ना। तो हम यहाँ पर पाइथन की एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम रखेंगे एम शेप। ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम होगा और इसको मैं थोड़ा पहले जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, हमें क्या करना है, कुछ रो और कॉलम के ऊपर अपना लूप वगैरह चलाना है। तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर लूप का। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए, रेंज फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो वो वहां तक आपके फॉर लूप का चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पर इसको वैल्यू दे देता हूं 23, तो ये क्या करेगा, 23 टाइम्स आपके फोर लूप को चलाएगा। लेकिन हमें फिलहाल में कहां तक चलाना है, देखिए अगर आप डायग्राम में जाएंगे तो जो रो की वैल्यू है वो है 0 to 6 है। तो हमें अपने लूप को कहां तक चलाना है, 0 to 6 मतलब 7। ठीक है, और अगर हम यही काम कॉलम पर भी कर देते हैं तो फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन सेम एज इट इज, कॉलम की वैल्यू भी वही है 0 to 6 मतलब 7। तो ठीक है, इसको भी रेंज दे देते हैं 7। ठीक है, ये हमारा रो और कॉलम का काम हो चुका है। लेकिन अब आता है कंडीशन वाला काम। पाइथन में जो भी कंडीशन वाले काम होते हैं वो हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से करते हैं। हमें कहां पर स्टार को प्रिंट करवाना है और कहां पर स्टार की जगह पर स्पेस को प्रिंट करवाना है। देखिए, प्रिंट दोनों करवाना है, तो स्टार को प्रिंट करवाइए या उसकी जगह पर स्पेस को प्रिंट करवाइए। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इफ कंडीशन में स्टार को प्रिंट करने वाली कंडीशन लिख लेते हैं सेम। फिर हम एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, जहां पर स्टार नहीं लिखना है वहां पर स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ कंडीशन। अब देखिए, हमें कहां कहां स्टार को प्रिंट करवाना है। तो अगर हम डायग्राम से पूछे तो डायग्राम बोलेगा कि देखिए आप कॉलम नंबर 0 ले लीजिए और कॉलम 0 के सारे स्टार प्रिंट कर दीजिए। सेम एज इट इज, कॉलम नंबर 6 के भी सारे स्टार प्रिंट कर दीजिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0 है और कॉलम है डबल इक्वल टू 6। अगर ये है तो सारे स्टार्स को प्रिंट करना। ठीक है, अब आते हैं अगली कंडीशन की ओर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सी को हटाकर और ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं कि देखिए यहां पर अगर ये वाला स्टार हमें प्रिंट करना है जो मैंने मार्क किया है, देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, रो और कॉलम की वैल्यू दोनों की सेम है। देखिए यहां पर कॉलम नंबर 3 है और यहां पर रो नंबर भी 3 है। तो मैं यहां पर एक कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर रो इक्वल टू कॉलम के अगर हो जाता है, तो इसको मुझे पेरेंथेसिस में लिखना होगा पहले तो, ताकि इसमें कंडीशन में अच्छे से लगा पाऊं। देखिए, अगर रो इक्वल टू अगर कॉलम होता है, ठीक है, अगर ये होता है एंड ऑपरेटर के साथ, तो वहां पर दो चीजें आपको चेक करनी होगी। एक तो आपका कॉलम हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वहां पर, एंड ऑपरेटर के साथ जो कॉलम है वो लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू होती है तो क्या करो, प्रिंट करो। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो पैक कर देते हैं। अब अगर इसको मैं देखूं अगर डायग्राम में वापस जाकर, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ ये वाला स्टार प्रिंट किया। देखिए, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 3, और हमने यहां बोल दिया कि ग्रेटर देन 0 मतलब इधर वाला और लेस देन 4 मतलब इधर वाला। तो ये जो बीच का स्टार रो नंबर 3 का है, ये ही सिर्फ एक स्टार प्रिंट होगा। ये हमारा काम यहां तक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पैरेंथेसिस में पैक नहीं किया था। ठीक है, अब अगली कंडीशन के आ रहा है। यहां पर हमने देखिए कि ये वाला स्टार प्रिंट कर लिया। अब हमारे पास कौन सा बचा है, एक कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 1 वाला, एक कॉलम 2 और रो 2, और एक बचा है कॉलम 4 रो 4 और सॉरी रो 2 और कॉलम 5 और रो नंबर 1। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन लिखनी होगी ना यहां पर। तो हम क्या कंडीशन लिखते हैं, और ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो यहां पर हम अगर लिख सकते हैं क्या, कि जो रो नंबर 1 है हमारी उसका स्टार प्रिंट करना। ठीक है, एंड जो हमारा कॉलम नंबर 5 है उसका भी स्टार प्रिंट करना। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि विजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब आपको परफेक्टली दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, रो नंबर 1 और रो कॉलम नंबर 5 पर भी हमें प्रिंट करना है और ऑपरेटर के साथ। हमें और चीज क्या करना है, जो हमारा रो नंबर 2 है वहां पर जाओ, एंड हमें क्या करना है, वहां पर कॉलम नंबर 4 वहां पर भी प्रिंट करना है। ये हमारा काम हो चुका है कंडीशन का। इसको मैं एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन वापस कर दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर ये चीजें ट्रू होती तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। ठीक है,
लेकिन जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो आपने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस देता है, लेकिन हमें यहां पर स्पेस नहीं चाहिए। तो जो भी लाइन के एंड में मॉडिफिकेशन या फंक्शनैलिटी हमें करनी होती है उसके लिए पाइथन ने हमें दिया है एंड फंक्शन। अब ये एंड फंक्शन क्या करता है, जब भी लाइन के एंड में हमें आपको कुछ ऐड करना हो तो आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां पर लिख दूं 233 तो आपकी हर लाइन के एंड में 233 प्रिंट होगा, लेकिन मैं फिलहाल में क्या चाहता हूं कि स्पेस ना आए तो मैं इसको यहां पर स्पेस नहीं दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये हमने काम कर चुके हैं स्टार को प्रिंट करने का। लेकिन देखिए आप डायग्राम को ध्यान से कि जहां जहां स्टार प्रिंट है वो तो हमने कर लिए, लेकिन ये जो बीच में स्पेसेस है इनको कौन प्रिंट करेगा, तो इसको करेगा हमारा else कंडीशन। तो हम else कंडीशन में क्या लिख देंगे, स्पेस प्रिंट और यहां पर दे देंगे एंड फंक्शन और इसको पास कर देंगे एक स्पेस। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो एंड फंक्शन होता है वो स्पेस या आपको जो भी एड करना हो वो एड कर सकता है, आप उसमें जो भी पास करेंगे वो उसको सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब आप बोलोगे कि हमारा काम हो चुका है, नहीं, आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर भी लगाना होगा। अब आप बोलोगे ये क्यों मैंने लगाया, देखिए जब भी आपका फोर लूप चलेगा ना तो वह हर बार क्या करेगा, एक एक स्टार को पिक करता जाएगा और प्रिंट करेगा। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट अगर ये हम नहीं लगाते तो देखिए अगर मैं इसको अभी यहां पर कमेंट कर देता हूं और अगर आप इसको रन करेंगे तो ये एक लाइन में आउटपुट देगा। देखिए ये जैसे आपने कंडीशन लगाई है उसके साथ ही आउटपुट दे रहा है, लेकिन जब भी वो एक एक स्टार को पिक करता हुआ जा रहा है फोर लूप हमारा, तो हो क्या रहा है कि वो एक ही लाइन में प्रिंट करता हो जाए। हम अगर यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं तो जब भी आपका फोर लूप रन होगा तो ये क्या करेगा, एक एक प्रिंट करने के बाद उसको न्यू लाइन मिलेगी, न्यू लाइन मिलेगी तो वो हर चीज को नई लाइन में प्रिंट करेगा जिससे कि हमारा शेप परफेक्टली बनेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारा शेप आना चाहिए, तो परफेक्टली देखिए हमारा एम का शेप परफेक्टली बन चुका है। आप थोड़ा आउटपुट स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए परफेक्टली एम का शेप हम बना चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हुई, ये कंडीशन हमने कैसे लगाई इसको हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आप जितनी बार देखोगे कोई देखने नहीं आ रहा है, आपको सीखना चाहिए, आपको लर्न करना है तो 10 बार देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।